हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनूज किचन आर्ट्स एंड ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोग के लिए हेल्दी और फ्रेश रेसिपी लेके आई हूँ वो सच में बहुत ही हेल्दी है, बच्चे और बूढ़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है खाना। मगर फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर यदि न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, जो मैं आज बना रही हूँ उसके फायदे जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए, आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सब्जी को जो मैंने बनाई है वो है सोयाबीन करी। तो फ्रेंड्स, इस सोयाबीन करी की जो मैंने करी बनाई है वो बहुत ही हेल्दी है और मैंने इसे परोसा है आलू की सूखी सब्जी चावल के साथ। मैंने यहाँ चपाती ली है, आप पराठा पूरी चावल के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो खीर है ना, मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले से ही है। आप खीर की रेसिपी बिना कंडेंस्ड मिल्क के बनाए दे रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो सोयाबीन की रेसिपी बनाई है उसकी जो करी है वो बहुत ही हेल्दी है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे जरूर खाएंगे और मांग मांग के खाएंगे। तो इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कटोरी सोयाबीन के लिए है और ये इसमें मैं कोई गर्म पानी नहीं डाल रही हूँ, इसमें मैंने नॉर्मल पानी ही लिया है और इसे कुछ देर के लिए ही भिगो के रखूँगी जब तक हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज काट लिया है, रफ चॉप किया है और ये कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सी देर में इसके देखिए इतना सा जूसी जूसी जैसा सॉफ्ट हो चुका है। अभी और थोड़ा सा होगा जब तक हम इसके बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तेल गर्म होने पर मैंने यहाँ जीरा डाला है और जीरा चटकते ही मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज। प्याज को हम मिलाएंगे अच्छी तरीके से तेल में और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। फ्रेंड, ये जब तक यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने के लिए तैयार हो रही है तब तक मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक टमाटर और एक हरी मिर्च जिसे मैंने कट कर लिया है। अब चेक कर लेते हैं हमारी प्याज को। प्याज अभी हमारी भुननी भी बाकी है, इसको 2 मिनट और चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट के बाद मेरी ये प्याज जो है भुन गई है और इसमें हम जो टमाटर और हरी मिर्च काटे हैं उसको डाल देते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, टमाटरों को भी हमें अच्छे से गलाना है, उसके लिए हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। इसी में हम इसी समय हम डाल देंगे बाकी के मसाले। उससे पहले हम पहले एक बार चला देते हैं ताकि नमक मिल जाए। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हल्दी डाल रहे हैं हम, साथ में डाल रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने घर में ही कूटी है लाल मिर्च। इसमें कोई रंग नहीं है मगर ये तीखी है इसलिए मैंने थोड़ी सी ही डाली है। और ये है धनिया पाउडर और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारे मसाले जले नहीं और ये थोड़ा पक से जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके पानी को हम लगभग सूखा सा देंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे इतनी तैयारी के बाद हमारे चंक्स कैसे हैं। तो ये देखिए, हमारे सोयाबीन जो है देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसका पानी निचोड़ के अच्छी तरीके से टोकरी में डाल लेती हूँ और उसके बाद ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं। और अब उसके बाद मैं इसको एक बार पानी से धोऊंगी। ये बहते नल में इसको एक बार धोना जरूरी है फ्रेंड्स। अब इस टोकरी को मैं एक ऐसे बर्तन में रख दूंगी ताकि पानी जो है इसमें निकाल ले। अब यहाँ पे हमारा मसाला देखिए लगभग रेडी हो गया है और वहाँ पे हमारे सोयाबीन भी तैयार हो चुके हैं। अब इस सोयाबीन को के जो पानी से हमने धोया है उसे भी हम इसमें
मिक्स करेंगे, लेकिन इसका जितना भी पानी हमने डाला था उसको निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से अब हम सारे हमारे जो सोयाबीन है इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब फ्रेंड्स बारी आती है हमें इसकी ग्रेवी बनाने की। ये हमारे इस तरीके से मिक्स करने के बाद सारे मसाले इसमें लग गए हैं। अब डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी। आपको यदि ये सूखी रखनी है तो आप इस तरीके से भी बने हुए रख लेंगे, और मसाला फिर अपने आप के हिसाब से रखें। ग्रेवी हल्की ग्रेवी है तो इसमें मैंने अभी तो डाल दिया है पानी, और पानी के साथ इसको अच्छे से हम इसको उबाल लेंगे। और फ्रेंड्स अब हम डाल देंगे एक हेल्दी ऐसी चीज जिससे बच्चे बूढ़े सबको बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही टेस्टी भी। अब मैं इसमें जब पानी सूख सा गया है थोड़ा सा, अब हम डालेंगे इसमें एक कप जितना दूध। यदि आपको ज़्यादा रखनी है ग्रेवी तो आप उस हिसाब से दूध या पानी आप डालना चाहें तो पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें एक कप दूध डाला है और ये बहुत ही लाजवाब सब्जी बन के तैयार हो जाती है। आप ये सोचेंगे कि टमाटर है तो दूध कैसे, कहीं दूध फट ना जाए, ये बिल्कुल नहीं फटेगा क्योंकि ये हमारी सारी सब्जियां पक चुकी है, अच्छे तरीके से हमने मसाले पकाए हैं। अच्छी तरीके से मसाले पकाने से हमारा इस दूध इस समय नहीं फटेगा। आप देख सकते हैं मेरी ये रेडी सब्जी कितनी स्वादिष्ट बन गई है, और ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन के रेडी हुई है। आप मुझे ये बताइए आपको कैसे सब्जी बनाते हैं, और मेरी इस तरीके से सब्जी बनाने के बाद यदि आपने इसको ट्राई किया है तो वो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मैंने तो यहाँ पे इसको सर्व कर दिया है खीर आलू की सब्जी और चपाती के साथ। आप किसके साथ सर्व करेंगे, पराठे पूरी या चावल के साथ? तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका मेरा नमस्ते और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को आगे देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।